नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज 25 मई है और छठे फेज का मतदान इस वक्त चल रहा है, तो इसी बीच मैंने सोचा कि एक इवेंट या घटना जो कल हुई थी उसके बारे में जो डेटा आया है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। ये घटना हमारे स्टॉक मार्केट्स को लेकर है और उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा, आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये प्रोग्राम केवल मैं आपको स्टॉक मार्केट का डेटा दिखा रहा हूं। किसी भी तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्ट करें, शेयर्स खरीदें या आप बेचें। तो व्हाट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, यानी कि करोड़ों रुपए का सवाल क्या है, और लिटरली इसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं इस सवाल के जवाब में। सवाल यही है कि 4 जून को किसकी सरकार बन रही है, हमारा वोट किसको पावर में ला रहा है और किसको निकाल रहा है, और इन नतीजों का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होने जा रहा है। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर होते हैं, छोटे बड़े और इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल यानी के जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, LIC वगैरह, UTI, ये लोग भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। तो जैसे जैसे नतीजे की तारीख नजदीक आती जा रही है, सबके दिल की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में उछाल आया तो मुनाफा होगा, और अगर नीचे चला गया 4 जून को तो भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि कल 24 मई को हमारी स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स जिसको निफ्टी कहते हैं वो 23,000 के अंक को पार कर गया, और ऐसा माना जाता है कि 23,000 का लेवल एक मनोवैज्ञानिक लेवल होता है जिसको पार करके ये संकेत आने लगे कि हमारा स्टॉक मार्केट ठीक ठाक है और आगे बढ़ सकता है, ऊपर उछाल आ सकता है। स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर थी, और वो लोग ये भी जानते होंगे कि पिछले एक महीने से निफ्टी लगातार एक ही लेवल पर एक बना हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है निवेशकों के लिए, क्योंकि जिस समय भारत में चुनाव चल रहे हैं उस समय अगर स्टॉक मार्केट एक अच्छे लेवल पर बना रहे तो ये एक अच्छा संकेत होता है कि आपका पैसा सुरक्षित है। अब इधर पिछले 2-3 दिन या एक हफ्ते से हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह एकदम से इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। मोदी जी भी स्टॉक मार्केट को लेकर अपना ओपिनियन देने लगे हैं। 23 मई को एक चुनावी भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाए ये काफी नहीं है। आप देखिएगा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट और BJP दोनों एक रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे निवेशक ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, और इसी वजह से एक फाइनेंशियल सिस्टम बन गया है जिससे आसान हो गया है हर भारतीय को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जैसे BJP के रिकॉर्ड नंबर आएंगे सीटों के, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक बड़ा उछाल आएगा। मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण चुनावों के बीच में दे सकते थे या नहीं, या चुनाव आयोग ने इस भाषण का संज्ञान क्यों नहीं दिया। अब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इन चुनावों में कम से कम वो कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य मैंने दिखाया स्टॉक मार्केट को लेकर वो 23 मई का था। उधर अमित शाह ने कुछ ऐसा ही बोला था 13 मई को, यानी कि 10 दिन पहले। उन्होंने भी यही कहा था कि 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट एकदम से शूट अप करेंगे, यानी कि तेजी से बढ़ेंगे। अब इन स्टेटमेंट से एक दो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह का ये स्टेटमेंट्स ये ऑफ द कफ नहीं थे। अकस्मात ही उन्होंने भाषण देते हुए ऐसा नहीं बोला था, कि दोनों ने ही एक सेम बात बोली थी और 10 दिन के अंतराल में बोली थी। इसका मतलब
ये एक स्ट्रेटजी है और जो इनको बताया गया है कि आप लोग ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। अमित शाह जी एक कदम आगे चले गए, ना केवल उन्होंने ये कहा कि स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा, उन्होंने एडवाइस भी दे दी लोगों को कि शेयर्स आप 4 जून से पहले खरीद लीजिएगा, और उन्होंने कहा कि ऐसा मार्केट एनालिस्ट कह रहे हैं, लेकिन सब लोगों का ऐसा मानना नहीं था। पीवी सुब्रमण्यम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत ही पुराने एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट्स के, उन्होंने ये कहा कि स्टॉक मार्केट ज्यादातर लोगों की सुनता नहीं है। 22 मई को इकोनॉमिक टाइम्स में छपे उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि बिग बॉसेस, यानी के रेफरेंस था मोदी जी और अमित शाह की तरफ, कि ये लोग जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो ये बहुत डरावनी चीज है, क्योंकि कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। और ये भी हमारे देश के लिए शायद एक फर्स्ट है, जबकि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने भाषणों में लोगों को कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर उछलेगा और आप लोग शेयर्स खरीद लें। बीजेपी के कई नेता और मंत्रियों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट्स देते हैं, यानी कि कोई उनको लिखकर देता है और वो बोलकर चले जाते हैं, उस बात पर डिस्कशन होता ही नहीं है, कोई भी रीजनिंग आपको दी नहीं जाती है। और एक बात मैंने और नोट की है, जब भी ये लोग कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि अभी हुआ चुनावों में सडनली स्टॉक मार्केट की बात करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि उन आंकड़ों के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने काफी सरकारी डेटा एनालाइज किया है और मंत्रियों के स्टेटमेंट्स को भी देखा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, जब कोई मंत्री आके ये कहता है कि इस साल हमारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, तो मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप देखेंगे कि उस साल हमारा ट्रेड डेफिसिट भी एक रिकॉर्ड हाई होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या डिसीजन लें वो आपके ऊपर है। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद। अब मैं जो आपको डेटा दिखाने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो है FIIs और DIIs को लेकर। FIIs यानी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs यानी के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी के FIIs ऐसे संस्थान होते हैं जो किसी अन्य देश में जाके वहां के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। इनमें उदाहरण के तौर पर हेज फंड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इत्यादि। और इसी तरह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर संस्थान होते हैं जो कि अपने ही देश में पैसा लगाते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, वो सब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हम आप जैसे निवेशकों में बहुत बड़ा अंतर है। हम और आप हजारों में या 10,000 में या 1,00,000 तक जाके स्टॉक मार्केट पर पैसा लगाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये लोग हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एक एक दिन में कर जाते हैं, और इसी वजह से इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब छोटा निवेशक अगर कोई शेयर खरीदेगा तो उससे वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप 10, 20, 100, 1,000 शेयर खरीदोगे, और इसी तरह से अगर एक छोटा निवेशक शेयर बेचेगा तब भी स्टॉक मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन उधर अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं तो उस दिन स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाता है, क्योंकि ये लोग 1,000, 2,000, 4,000 करोड़ इकट्ठा लगाते हैं, और इसी तरह जिस दिन ये लोग पैसा निकालते हैं उस दिन स्टॉक मार्केट भी गिर जाता है। अब जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें। लाल रंग में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, अगर वो जीरो से नीचे है इसका मतलब वो पैसा निकाल रहे हैं, और अगर वो जीरो लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब वो निवेश कर रहे हैं। और पीली लाइन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, कि वो हमारे स्टॉक मार्केट में कैसा पैसा लगा रहे हैं। और ज्यादातर ये पीली लाइन जीरो से ऊपर है, यानी कि वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते गए हैं। अब ये डेटा है मई के महीने का, 2 मई से लेकर 24 मई तक, कल तक का ये डेटा है। अब आपको एक बहुत साफ इसमें ट्रेंड नजर आ रहा होगा कि जब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शेयर्स बेचे हैं हमारे स्टॉक मार्केट पे, तब तब उसी दिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वो शेयर खरीद लिए हैं। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जब कोई शेयर बेचता है तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि वहां खरीदार होना भी जरूरी है, नहीं तो वो शेयर बिकेंगे नहीं। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मिलके ये गेम एक तरह से चल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2 मई को उन्होंने लगभग 964 करोड़ के शेयर बेचे, उसी दिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 1,352 करोड़ के शेयर खरीद लिए। इसी तरह से 8 मई को लगभग 7,000 करोड़ के शेयर बेचे गए FII द्वारा, और उसी दिन लगभग 6,000 करोड़ के DII ने शेयर खरीद लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा है। तो अगर इन फिगर्स का टोटल किया जाए तो आप देखेंगे कि मई के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 34,459 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, और उधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 40,797 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या चल रहा है? मतलब बहुत सीधा साधा है, FII सोचते हैं कि इस समय भारतीय स्टॉक मार्केट से निकलना ही उचित है, और उधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग कंपनीज ये सोचती हैं कि इस समय भारतीय स्टॉक मार्केट में खरीदारी करना ही उचित है। लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। यहां मैं वही ग्राफ दिखा रहा हूं, केवल एक लाइन और मैंने ऊपर ऐड कर दी है, वो यहां पर दिख रही है। ये है निफ्टी, जो इंडेक्स है हमारा, उसकी वैल्यू मैंने प्लॉट की है इसी महीने में, और नीचे जो FIIs और DIIs की खरीदारी होती रही है, सेलिंग या खरीदारी, उसका नतीजा ये रहा है कि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो लगभग एक सीधी लाइन बनी हुई है। ये 22,000 के आसपास पूरे महीने ये कांस्टेंट सी वैल्यू रही है। तो इसका यही मतलब है कि FII ने जब जब बेचा तो उतना ही निवेश डोमेस्टिक कंपनीज ने कर दिया, जिससे निफ्टी नहीं गिरने पाए। ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जैसे कि निफ्टी ना गिरने का बोझ पूरा अपने कंधे पर ले रखा है। निफ्टी को सरकार इलेक्शन वाले महीने में कंट्रोल करना चाहती है, उसको गिरने नहीं देना चाहती। अगर सरकारी DII उसमें इन्वेस्ट नहीं करते तो निफ्टी नीचे आ जाता, और मई के महीने में इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब हो जाते, जिससे ये हो सकता है कि इलेक्शन पर खराब असर पड़ता BJP सरकार के लिए। इसीलिए उसने जो DII हैं उनको ये निर्देशन दे रखा है कि जब भी FIIs बेचें तो आप ये खरीद लीजिए, इसमें LIC वगैरह, UTI और अन्य बैंक के म्यूचुअल फंड सभी आते हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि FII हमारे स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि BJP सरकार हार जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके कई कारण हैं जो इस प्रोग्राम में मैं आज उन सब में नहीं जाऊंगा, इंटरनेट पर इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, वहां से आप देख सकते हैं। एक बात हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में कही जा रही है कि आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि फ्लक्चुएशन होते हैं इंडेक्स में, वो बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जाता है। ये इंडेक्स उसका संकेत है कि इन्वेस्टर्स अगले 30 दिन में मार्केट किस तरफ जा रहा है उसके बारे में
ये एक इंडेक्स है। तो ये अंत में मैं ग्राफ आपको वोलेटाइल इंडेक्स ऑफ इंडिया उसका दिखा रहा हूं। अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स कम होता है तो इसका मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी है, और अगर ये ज्यादा होता है तो इसका मतलब मार्केट्स वोलेटाइल है। तो हमारा स्टॉक मार्केट मई के महीने से ये ज्यादा वोलेटाइल होना शुरू हो गया है, जो ऐसा लग रहा है कि जून आने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। और अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि भारतीय स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है, तो बर्नस्टाइन की ये साइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इनको आजकल काफी कोट भी किया जा रहा है, हमारे हमारे जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, आप यहाँ पर जाके और जानकारी ले सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।